हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई प्रोफेसर कविता ब्राह्मणकर वेलकम्स यू टू द ऑनलाइन प्रैक्टिकल सीरीज ऑफ सब्जेक्ट जीएडी। टुडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म प्रैक्टिकल नंबर 5, दैट इज यूज ऑफ सिलेक्ट केस स्टेटमेंट इन VB.NET। सिलेक्ट केस मीन्स क्या होता है? जैसे कि हमारे सी में स्विच केस स्टेटमेंट होता है, उसी को VB.NET में सिलेक्ट केस स्टेटमेंट बोलते हैं। हम स्विच केस में कैसे करते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, इस तरह से केसेस लिखते जाते हैं और फिर हमारे डिफॉल्ट केस होती है, इस तरह से हम करते जाते हैं और लास्ट में स्विच को एंड करते हैं। वैसे ही हमको यहाँ पे भी करना है। सो सिलेक्ट केस, तो यहाँ पे हम कंडीशन देंगे केस के बाद। जैसे केस 1, केस 2, केस 1 के बाद हम कंडीशन लिखते थे, ठीक है, फिर उसको नीचे कंडीशन ट्रू होने के बाद जो भी प्रिंट करवाना है वो प्रिंट की स्टेटमेंट लिखते थे। तो सेम वैसे ही यहाँ पे करना है। यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट केस, उसके बाद कंडीशन लिखनी है और जो भी हमको प्रिंट करना है वो प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है। तो अब इसके लिए हम विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन क्लिक करेंगे। तो हमारे प्रोग्राम का एम रहेगा, हमको पहले परसेंटेज एंटर करना है और परसेंटेज एंटर करने के बाद क्लिक बटन पे क्लिक करने के बाद हमको बताएगा कि अकॉर्डिंग टू आवर परसेंटेज हमको क्या मिला है। डिस्टिंक्शन मिला है, फेल हुए हैं, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, पास क्लास है, इस तरह से हमको मैसेज मिलने वाला है। तो हम विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन पे जाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म अपीयर होगा। सो ये फॉर्म अपीयर हो गया है। अब हमको यूजर एंटर करने वाला है मार्क्स, इसीलिए हमको लेबल लेना है सबसे पहले टेक्स्ट लिखने के लिए और उसके सामने टेक्स्ट बॉक्स में मार्क्स एंटर करने वाला है यूजर। तो पहले एक लेबल लेंगे, इस पे लिखेंगे एंटर द मार्क्स, इस पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज में जाएंगे लेबल की और टेक्स्ट लिखेंगे एंटर द मार्क्स, एंटर द मार्क्स, ये हमने लिख लिया। इसका थोड़ा अभी साइज बड़ा कर देंगे हम फॉन्ट साइज का। सो फॉन्ट जो है हमेशा की तरह इसकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे, सिर्फ इसका हम साइज बड़ा करेंगे, मैं 16 लेती हूँ, ओके, एंटर द मार्क्स। अब मार्क कहाँ पे एंटर करेंगे उसके लिए हमको एक टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन करती हूँ, ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हम मार्क्स एंटर करेंगे। देन एक बटन लेंगे हम, कि उस बटन पे क्लिक करने के बाद हमको मार्क डिस्प्ले होने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले ग्रेड, तो हमारी ग्रेड ही होने वाली है। तो इस बटन के टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले ग्रेड, ये आपको विजिबल नहीं रहेगा अच्छे से, इसलिए फिर से इसका हम फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे। सिक्सटीन कर देती हूँ एंड ओके डिस्प्ले कर देन। अब हमारा नेक्स्ट काम ये है कि हमको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और कोड, लेकिन हमको कोड कहाँ पे लिखना है कि सबसे पहले हम इस बटन को क्लिक करेंगे और बाद में हमको रिजल्ट डिस्प्ले होने वाला है, इसलिए इस बटन के क्लिक इवेंट में हमको कोड लिखना है, इसलिए हमने उस बटन पे डबल क्लिक किया। अब कोड लिखेंगे, एक इंटीजर लेंगे हम सबसे पहले, जिसमें हम परसेंटेज नाम का इंटीजर लेंगे जिसमें हम वो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू है उसको स्टोर करके रखेंगे, तो हमको वो थोड़ा इजी जाएगा एक्सेस करने के लिए और समझने के लिए। सो मैं परसेंट नाम से एक वेरिएबल लेती हूँ, परसेंट इक्वल्स टू, मैं क्या करूँगी इसमें परसेंट में वैल्यू स्टोर करके रखूँगी, किसकी, टेक्स्ट बॉक्स की। तो इसलिए मैं लिखूँगी फंक्शन वैल ऑफ टेक्स्ट बॉक्स वन, वैल ऑफ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स वन में जो भी मैं टेक्स्ट एंटर करूंगी उसकी वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर करके रखूंगी। अब
मेरा नेक्स्ट काम है कि मुझे अब सिलेक्ट केस करना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने एक्चुअली सबसे पहले मैंने क्या किया कि परसेंटेज वेरिएबल लिया है लेकिन इसको डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए वो एरर बता रहा है। ये ऐसे अगर किसी के नीचे अंडरलाइन दिख रही है, इसका मतलब है एरर। तो सबसे पहले उस वेरिएबल को मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो डीम परसेंट एज इंटीजर, मुझे सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, डीम परसेंट एज इंटीजर। मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दी है, अब ये एरर हट गया, वहां से लाइन हट गई है, मीन्स एरर नहीं है अब वहां पे। अब मेरा नेक्स्ट काम है कि सिलेक्ट केसेस लिखना, उसके लिए तो उसके लिए मैं लिखूंगी सिलेक्ट, इसका स्टेटमेंट है सिलेक्ट सिलेक्ट केस सिलेक्ट केस। और मेरा वेरिएबल कौन सा है, किसके लिए, कंडीशन में किसके लिए चेक करने वाली हूँ, परसेंटेज के लिए। तो सिलेक्ट केस परसेंटेज, सिलेक्ट केस परसेंट। अभी मेरी पहली केस है कि केस इज, उसके नीचे लिखना है मुझे केस इज। सपोज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है, सो आई विल प्रिंट डिस्टिंक्शन। ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है तो मैं मैसेज बॉक्स दूंगी एक, और उसमें मैसेज दूंगी कि डिस्टिंक्शन, मैसेज बॉक्स, और उसमें मैं लिखूंगी डिस्टिंक्शन। अभी मैं ये कोड इस तरह से कॉपी कर लेती हूँ और बाकी के केसेस भी लिखती हूँ। सो केस इज इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, सेकेंड केस है मेरी। मैं इसको कॉपी करती हूँ, कॉपी नीचे। सिर्फ मुझे केसेस चेंज करते जाना है, जो कंडीशन है वो चेंज करती जानी है, और देन ये भी मैं प्रिंट कॉपी कर लेती हूँ। केस इज फर्स्ट क्लास, अगर देन नेक्स्ट केस है मेरा कि 50 अगर है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अगर 50, तो मैं ये पूरा पूरा कर लेती हूँ। 50 है तो सेकंड क्लास, 35 है तो पास क्लास। पेस्ट, तो यहाँ पे है मेरा नेक्स्ट कंडीशन 50 है तो यहाँ पे रहेगा सेकंड क्लास। देन फिर से मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ इसको और नेक्स्ट क्लास लेती हूँ इक्वल्स टू 35 के लिए। अगर मैं यहाँ पे 35 लेती हूँ तो ये मेरा आ जाएगा सिंपल पास क्लास। यहाँ पे लिखती हूँ मैं पास क्लास। और केस एल्स मीन्स ये हमारी है, अगर कुछ भी नहीं मैच हो रहा है तो हमारी ये डिफॉल्ट केस है, उसको बोलते हैं यहाँ पे केस एल्स, केस एल्स। और केस एल्स में हम प्रिंट करेंगे कि फेल, तो हम एक मैसेज बॉक्स कॉपी कर लेंगे यहाँ पे और प्रिंट करेंगे फेल। तो अब ये हो गया हमारा कोड, तो कोड समझ में है आपको। एक टेक्स्ट बॉक्स में जो भी हम वैल्यू एंटर करने वाले हैं उसकी वैल्यू हम परसेंटेज वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उसके लिए हमने परसेंटेज वेरिएबल को डिक्लेयर किया एज एन इंटीजर वेरिएबल। उसके बाद जैसे हम स्विच केसेस में केस वन केस टू लिखते हैं, उसके बाद उसकी कंडीशन लिखते हैं और फिर उसके प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होना चाहिए, वैसे ही हमने लिखा। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे केस इज और उसके बाद जो भी हमको कंडीशन देनी है वो लिखेंगे। तो हमने अब लिख लिया, पहली कंडीशन है हमारी 75, दूसरी कंडीशन है हमारी यहाँ पे एक्चुअली 60 है,
not 75, second condition is 60. अगर 75 है तो distinction, 60 है तो first class, greater than or equal to 50 है तो second class, 35 है तो past class, और इसमें से कुछ भी नहीं है, अगर कम marks है तो fail. तो इस तरह से हमने ये design किया. अब हम इसको run करेंगे. एंटर मार्क्स, तो अगर मैं यहाँ पे 55 मार्क्स एंटर करती हूँ तो कौन सी ग्रेड आनी चाहिए? सेकेंड क्लास, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 है तो फर्स्ट क्लास है, अदरवाइज सेकेंड क्लास. देन मैं अगर यहाँ पे 85 डालती हूँ तो डिस्टिंक्शन आना चाहिए, यस, ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है इसीलिए डिस्टिंक्शन दिया है. देन अगर मैं यहाँ पे 38 डालती हूँ तो पास क्लास आना चाहिए, यस, पास क्लास आ गया. और यहाँ पे अगर मैं कम मार्क्स देती हूँ, 22 मार्क्स देती हूँ तो ये फेल आना चाहिए, यस, इट इज शोइंग फेल. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज सिलेक्ट केस. इट इज जस्ट लाइक स्विच केस स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टूडेज प्रैक्टिकल. If you have any queries, then mail me on my email address. Thank you for listening to the video. Thank you so much.